रांची से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। पार्षद रोशनी खलको समेत दो को जमानत मिली है। आपको बता दें एजेंसी एक की कोर्ट ने जमानत दी है। मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर हमला करने के ये सभी आरोपी हैं। रोशनी खलको ने पुलिस की दबिश के बीच कोर्ट में सरेंडर किया था। आपको बता दें कुछ दिनों पहले सीएम के काफिले पर हमला हुआ था किशोरगंज के पास, और उस हमले के ये आरोपी थे जिन्हें फिलहाल सरेंडर करने के बाद जमानत मिली है। पार्षद रोशनी खलको समेत दो को आज जमानत मिली है, ये उनके लिए राहत की खबर। एजेंसी के एक ही कोर्ट में ये जमानत दी गई है। पार्षद रोशनी खलको समेत दो को जमानत मिली है। सीएम के काफिले पर हमले के बाद इन्होंने पुलिस की दबिश के बीच में कोर्ट में सरेंडर किया था, और अब इन्हें एजेंसी एक में जमानत मिली है। उस कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। दो और शामिल है रोशनी खलको जो पार्षद हैं। सीएम का काफिला गुजर रहा था, उस दौरान इन्होंने सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे, जिस तरह से उत्पात मचाया गया था। अब इस मामले में जमानत मिली है रोशनी खलको को। मुख्यमंत्री काफिले को रोककर हमला करने के ये आरोपी हैं जिन्हें अब एजेंसी एक से जमानत मिली है। फोनलाइन पर सहयोगी दीपक जुड़े हुए अपडेट के साथ। दीपक, पार्षद रोशनी खलको समेत दो को जमानत मिली है, मुख्यमंत्री के काफिले में हमले की आरोपी हैं फिलहाल, क्या पूरी जानकारी और है? तो रमांझी थाना क्षेत्र में एक युवती की सरकटी लाश बरामद हुई थी, और उस घटना को लेकर लोगों का जन आक्रोश सड़कों पर उतरा था। मुख्यमंत्री जैसे ही प्रोजेक्ट भवन से अपने आवास की ओर जा रहे थे, तभी किशोरगंज चौक पर लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री के काफिला पर हमला कर दिया, और इस मामले में लगभग 76 लोगों के खिलाफ नामजद आरोपी बनाया गया है पुलिस के द्वारा। और इस मामले में रोशनी खलको ने खुद कोर्ट के समक्ष पुलिस के दबिश के बीच सरेंडर किया था, और जिसकी मांग को लेकर के रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा समेत कई पार्षद और महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर उसकी बचाव की मांग भी कर रहे थे। तो तमाम चीजों को लेकर के लगातार कोशिश की जा रही थी कि उन्हें किसी तरह से जमानत मिल जाए। किसी भी आज कोर्ट एजेंसी वन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है 10,000 के दो निजी मुचलका पर, और इस मामले में अभी भी कई आरोपी है जो पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन अब तक अगर बात करें तो कुल 18 लोगों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। और इस मामले में भैरव सिंह को जो मुख्य आरोपी बनाया गया था वो फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है। जी चलिए दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।